हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को टमाटर उगाना दिखाऊंगी कि कैसे हम एक टमाटर से जो हमारे घरों में आते हैं बहुत सारे टमाटर के प्लांट बना सकते हैं और उससे बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी ले सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी पे होगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। विंटर का सीजन टमाटर ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप सितंबर से ही इसको लगाना शुरू कर सकते हैं। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तीनों मंथ में आप टमाटर लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने हर स्टेज में टमाटर लगाए हुए हैं। ये इसलिए भी किया जाता है कि आपको जब भी हम वेजिटेबल लगाते हैं, स्पेशली विंटर वाली, तो उनको 15-15 दिन के अंतराल पे लगाना चाहिए। इससे आपको थ्रू आउट पूरे विंटर हार्वेस्टिंग होती रहेगी और टमाटर या फिर कोई भी जो आप विंटर के वेजिटेबल उगाते हैं वो मिलते रहेंगे। तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, पहले आपको घर के टमाटर से जो आप मार्केट से लेके आते हैं उससे कैसे हम टमाटर ग्रो करेंगे वो दिखाऊंगी। मैंने अभी से 15 दिन पहले ही इसे ग्रो किया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। देखिए, बहुत ही आसान तरीका है इसको उगाने का। इसके लिए मैं जो मिट्टी तैयार करती हूँ सीड लगाने के लिए, टमाटर के लिए स्पेशली, वो कोई ख़ास मिट्टी नहीं होती है। मेरे गार्डन की सॉयल होती है जिसमें कोई भी अच्छी से अच्छी कंपोस्ट, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या कोई भी जो अच्छे से फुल्ली डिकम्पोज हो, वो कंपोस्ट हमें ले लेना है। और देखें, ये गार्डन सॉयल है मेरा नॉर्मल, और उसमें मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्मी कंपोस्ट है। थोड़ा सा मिलाऊंगी क्योंकि जस्ट अभी हमें सीड लगाने हैं, हमने नॉर्मल गार्डन सॉयल में इसको मिक्स कर दिया थोड़ा सा बस। उसके बाद इसको अच्छे से भुरभुरा कर लें। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें हमें कोई बीज सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट ही टमाटर से बीज लगा सकते हैं। अब इसको इस तरह से कट करना है, गोल गोल, जैसे हम लोग सैलड काटते हैं उस तरह से। अब देखें, ये सीड दिखने शुरू हो गए, इस तरह से काट लेंगे। और हमें इस तरह से रखना है, ऐसे प्लेस कर दें सिंपली। टमाटर हमेशा, अब जिनके यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो इसे हमेशा ग्रो कर सकते हैं, ये चलता रहेगा। जनरली ये 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर में बहुत अच्छा ग्रो करता है। देखें, अब हम इसके ऊपर से इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा कंपोस्ट और थोड़ा मिट्टी इस तरह से कर देंगे। बहुत ज़्यादा अंदर नहीं दबाना है। देखें, नॉर्मल मिट्टी हमें इतनी मिट्टी डालनी है कि ये अच्छे से ढक जाए बस। और इसको आप धूप में ही रखें, अगर टेम्परेचर आपका नॉर्मल है धूप में ही रखें, आराम से जर्मिनेट हो जाएगा। 10 दिन के बाद आप इसमें देखेंगे कि स्प्राउट्स निकलने शुरू हो गए हैं। मैंने अभी जिस तरह से स्लाइस काट के आपको ग्रो करना दिखाया था, वैसे ही ठीक अभी से 25 दिन पहले मैंने यहाँ पे ग्रो किया था ऐसे ही स्लाइसिस के साथ। और आप देखें अभी इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। यहाँ पर हल्का सा, यहाँ मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला था और उसके बाद स्लाइस डाल के मिट्टी डाल दी थी। और आप देखें, ये करीब 25 दिन का ग्रोथ है और ये ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ देखें, यहाँ भी मैंने कुछ ग्रो किए हुए हैं टमाटर, और ये देखें ये 1 महीने का है। आपको थोड़ा थोड़ा अंतर सब में नज़र आएगा, 1 महीने का है ये, थोड़ा उससे ज़्यादा थोड़े टाइम का है, मतलब 1 महीने से ऊपर का है। और आप देखें, इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें नीचे ये देखें कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं यहाँ पे। ये मैं पूरे 1.5 महीने बाद
ये आपको प्लांट दिखा रही हूँ। 1.5 महीने पहले मैंने इसे लगाया था और अब आप इसकी ग्रोथ देखें। ये चेरी टोमेटो का प्लांट है जो मैंने सीड से लगाया था, और केयर करते रहने से देखें अब ये फ्लावरिंग पे चला आया है। और टाइम टाइम पे मैंने इसमें पेस्टिसाइड्स और जो भी खाद डाले हैं, मैं आप लोगों से अभी बात करूँगी इसके बारे में। और चेरी टोमेटो और टोमेटो दोनों का सेम केयर होता है, सेम प्रोसीजर होता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बैग्स होते हैं इसके लिए, जो पॉट्स होते हैं, वो भी हम, ज़रूरी नहीं है हमारे पास पॉट्स अवेलेबल नहीं हैं तो हम नहीं लगा सकते। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉट्स में से लगाया हुआ है। ये ग्रो बैग है जो मैंने मार्केट से लिया हुआ है, और ये देखें ये आटे का ग्रो बैग मैंने खुद से बनाया, क्योंकि मेरे पास इस समय विंटर में बहुत कमी हो जाती है पॉट्स की, क्योंकि मैं फ्लावर लगाना बहुत पसंद करती हूँ। और ये देखें ये चावल जो 5 केजी और 10 केजी के जो चावल के कट्टे आते हैं उसमें भी मैं लगा दी हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इन सब में। इसमें एयर भी सर्कुलेट होता रहता है जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा ग्रो बैग बन जाता है, और इसमें बहुत सारे होल कर दें छोटे छोटे और ये आराम से चलते रहते हैं। इसलिए आप लोगों को घर से ही टमाटर भी अवेलेबल है, घर से ही आपको इस तरह के ग्रो बैग्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। इसकी मिट्टी बनाने के लिए जैसे हम वेजिटेबल लगाते हैं तो हाफ हाफ पोर्शन, जैसे मैं करती हूँ हाफ पोर्शन मिट्टी का लेती हूँ, हाफ पोर्शन जो भी मेरे पास अवेलेबल कंपोस्ट होता है वो ले लेती हूँ। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट आजकल मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इस वक्त कंपोस्ट नहीं है। वर्मी कंपोस्ट आपके पास काउडंग हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ हाफ पोर्शन में मिला लेना है। और थोड़ी सी ये रिवर सैंड ज़रूर मिलाएं, अंदाजे से थोड़ी सी रिवर सैंड 2 मुट्ठी आप इसमें मिला दें ताकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो। जब भी ग्रो बैग में लगाएं तो इतने सारे होल ज़रूर चेक करें, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए इसका। और मैं मिट्टी का लिंक भी डाल दूंगी कि वेजिटेबल के लिए कैसे मिट्टी प्रिपेयर करते हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। टमाटर का प्लांट वाटर लविंग प्लांट है, इसलिए इसको, इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें। जब भी फ्लावरिंग का टाइम हो तो इसकी मिट्टी सूखी नहीं रहनी चाहिए, अगर सूखी रहेगी तो फिर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में दिक्कत आएगी। और बहुत ज़्यादा भी नहीं पानी डालना है, रूट रॉट होने के भी चांसेस होते हैं क्योंकि सॉफ्ट प्लांट होता है ये। और जहाँ तक सनलाइट की बात है तो अगर आप, ये फुल सनलाइट का प्लांट है, अगर आप बालकनी में भी लगाते हैं तो अगर 5-6 घंटे की धूप आती है तो आप अपने बालकनी में भी इसको लगा सकते हैं। वैसे ये फुल सन का प्लांट है, दिन भर भी अगर सन धूप में रहे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। अब आपका प्लांट फ्लावरिंग पे आ जाए तो इसमें हर 15 दिन पे कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास अवेलेबल हो वो डालते रहें। जैसे मान लें ये वर्मी कंपोस्ट है तो हम अंदाजे से 1 मुट्ठी बस काफ़ी है, क्योंकि हमने पहले ही इसमें 50-50 का रेशियो रखा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको ताकत मिलती रहे और बूस्ट होता रहे इसके लिए हमको सिंपली इस तरह से 1-2 मुट्ठी हर 15 दिन पे ऐड करते रहना है ताकि ये हैवी फ्रूटिंग कर सके। उसके बाद अच्छे से थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दें मिट्टी की डालने के बाद, ताकि ये अच्छे से मिल जाए इसमें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और किस तरह से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें अटैक होता है, चूँकि ये सॉफ्ट प्लांट होते हैं और जब ये अपने ग्रोइंग पीरियड में होते हैं और आपने थोड़ा भी मिस कर दिया और ध्यान नहीं दिया तो आप देखेंगे इसमें लीफ माइनर की बीमारी भी आती है। लीफ माइनर मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ये देखें ये प्लांट थोड़ा अंदर की तरफ था, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये देखें इस तरह के जब निशान दिखने लगे पत्तों पे तो आप समझें कि ये लीफ माइनर का अटैक है इसमें। इस तरह से अगर शुरुआती स्टेज पे ही आप इस पत्ते को निकाल दें, इस तरह से तोड़ करके हटा दें, तो आप इससे बच जाएंगे। हमें शुरुआत से ही इसको स्प्रे करते रहना है किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का। मैंने आपको लीफ माइनर दिखाया, उसी तरह से इसमें एफिड का भी अटैक होता है। एफिड छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो पत्तियों के उल्टी साइड में होते हैं। इसमें कोई अटैक नहीं है इसलिए मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन आप हमेशा इसकी पत्तियों को उल्टा करके देखते रहें। दूसरा है इसको लार्वा, स्लग, ये सब का अटैक इस पर होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है
इसमें लीफ कर्ल की बीमारी आती है जो आपने अगर थोड़ा भी इग्नोर किया तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो वायरस से होता है। तो लीफ कर्ल ना आए इसके लिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके लिए मैं हमेशा बटर मिल्क का इस्तेमाल करती हूँ। जब हमारा प्लांट थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है उसी समय से हमें बटर मिल्क का इस्पे इस्तेमाल करना है। 100 ml को आप 1 लीटर पानी में स्प्रे बॉटल में डाल करके इस पर हर सप्ताह स्प्रे करते रहें। उससे ये लीफ कर्ल की बीमारी नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही लीफ कर्ल आएगा इसमें उसके बाद इसकी पत्तियां मुड़ने शुरू हो जाएंगी और ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाता है। तो यहाँ देखें, ये मैंने बटर मिल्क रखा हुआ है, 10 ml के करीब है। इसमें हम इसका 10 गुना पानी डालेंगे। इसका ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी वो नहीं करना है, मिलाना नहीं है। इस तरह का कुछ आपका रेशियो रहेगा। इसको स्प्रे करते रहें हमेशा इसमें। और जो भी सैपलिंग आपके हेल्दी हो उसी को लगाएं। अगर हमने अपने टमाटर को पेस्ट के अटैक से बचा लिया तो आप समझें कि बहुत अच्छी यील्ड मिलेगी आपको। तो एक और मैं पेस्टिसाइड आप लोगों को बता देती हूँ इसके अलावा, जो मैंने अभी आपको बताया उसके अलावा, है कि हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे, जो मैं हमेशा अपने टमाटर पे करती हूँ। कितना करना है वो देख लें। इसमें इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। बेकिंग सोडा, ये कोई भी वेजिटेबल ऑयल, ये देखें बेकिंग सोडा है, वेजिटेबल ऑयल है, और एक कोई भी आप हैंड वॉश ले लें या किसी भी तरह का लिक्विड सॉप ले लें, उससे हमारा पेस्टिसाइड बन जाएगा। रेशियो देखें कि हमें अपने स्प्रेयर बॉटल में 1 लीटर का रेशियो बता रही हूँ। इस तरह से 1 लीटर में हमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है। ज़्यादा डालने से हो सकता है कि आपकी पत्तियाँ बर्न हो जाएं, इसलिए रेशियो का ध्यान हमेशा रखें। इसी तरह हमें 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालना है, ताकि वेजिटेबल ऑयल डालने का मकसद होता है कि हमारा जो हमने इसमें सोडा डाला पानी के साथ, वो चिपक जाए इस पर, पत्तियों पे चिपक जाए। और उसके बाद इस तरह से हमें कोई भी हैंड वॉश, कोई भी लिक्विड सोप, हमें ये भी हमें 1 चम्मच के करीब लेना है। एक लीटर पानी मिला लेंगे हम इसमें। इसका मकसद होता है, हैंड वॉश कोई भी लिक्विड सोप मिलाने का मकसद होता है कि इसका मॉलिक्यूल्स जो होता है वो टूटे और पानी में घुल मिल जाए सारे इंग्रेडिएंट, और जो हमने ऑयल डाला है उससे पत्तियों पे ये चिपका रहेगा काफ़ी समय तक। और इसको आपको शाम के समय स्प्रे करना है, क्योंकि सुबह के समय धूप रहती है, बहुत जल्दी ये उड़ जाता है, तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। शाम के समय इसको स्प्रे करें, और सप्ताह में एक बार ज़रूर स्प्रे करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके टमाटर की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। आपका टमाटर अगर मान लें कि बहुत लेगी हो गया है, बहुत लंबा हो गया है, तो हमें क्या करना है, एक तो आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मैंने इसको पिंच कर दिया है। इसलिए पिंच किया है ताकि ये जो स्टेम है ये थोड़ी मोटी हो सके। तो अगर आप लोगों को भी लगे कि आपका टमाटर बहुत लेगी हो रहा है तो ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा जब ये थोड़ा स्ट्रांग होने लगे तो आप यहाँ पे देखें, नीचे से इस तरह के छोटे छोटे ये साइड से इस तरह का सकर निकलता है, इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इसको इस तरह से हम हाथ से रिमूव कर देंगे, ताकि जितनी भी ताकत है, ये सकर्स होते हैं, इनको बिल्कुल हटा देना है, जितनी भी ताकत है ये ऊपर की तरफ स्प्रेड हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है टमाटर में। इन सारी चीज़ों का ध्यान रख करके जो भी मैंने आप लोगों को बताया है इसको फॉलो करें, और फिर देखें आपकी टमाटर की फसल। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।